इतना क्या डर रहे हो? वैसे भी कारस्तानी ना तुम्हारे दोस्त की है। मेरा दोस्त? अरे विभू और कौन, कल उसने मेरी खूबसूरती पर पता नहीं कौन सा वाहियात सा शेर पढ़ा और मेरे चेहरे का ये हाल हो गया। भाभी जी मैं भी यही बताने आया हूँ, विभूतिया अब विभूतिया नहीं है। ये क्या विभूतिया विभूतिया लगा रखा है, ढंग से उसका नाम नहीं ले सकते? विभू विभूति। भाभी जी अब आप विभूति कहिए या विभूतिया कहिए, उसकी ऑलरेडी बैंड बज गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। वो क्या है ना भाभी जी, उस दिन जब हम बख्शी की पार्टी से आ रहे थे ना, और What? I can't believe this. I just can't believe this. मैं यकीन नहीं कर सकती। यकीन तो करना पड़ेगा भाभी जी, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। क्योंकि एक घटिया शायर जिसने जीते जीत लोगों के गुर्दों में उंगलियां की, अब वो फिर से बाहर आ गया है। What? हाँ भाभी जी, उस मनुस कानपुरी की कब्र खुदी हुई मिली। इसका मतलब बाहर आके ना जाने लोगों के वो कहां कहां उंगली करेगा। भाभी जी अनीता जी। अरे अंगूरी जी, तिवारी जी, क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं और ये क्या हाल बना रखा है? भाभी जी हमें बचा लीजिए, नहीं तो विभूति जी हमारे प्राण ले लेंगे। व्हाट, विभू ने आप पर हमला किया? नहीं नहीं, हमला नहीं किए, शेर सुना है। शेर सुनाया जी? उन्होंने हमारे लिए ऐसे कसीदे पढ़े कि हमारा ये हाल हो गया। सच्ची? और ना अनीता जी, हम एक तो बात और सीड्यूस किए। नोटिस होता है, नोटिस ऐसा ही पकड़े हैं। हम एक तो बात और देखे रहे, ऊना ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे जैसे उनके पैर में कछु चोट लगा हो। भाभी जी मुझे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। वाह! जो शेर है इस पे हम तस्करा करेंगे। तस्करी? तस्करी बता, तू गैर कानूनी काम है उस्ताद? बड़े बदतमीज लड़के हैं कसम से। तस्करा मतलब डिस्कशन करेंगे। निगेरा दावा गुलशन अदाई, आजा खुर्रम बहारे आशनाई, बेखुश पुरकाई ये तर्जे वजूदश, च दहली में रसद हरदम दरूदश। सॉरी ये नहीं है, माय फॉल्ट, वापस पढ़ता हूँ यार, आई विल ट्राई। नागिन ने दावो करो कि गुलशन ग्रोवर ने कुलभूषण खरबंदा की सेनाई बजाई। आशीर्वाद देने को बुला रहे हैं? नहीं। हम बोले वहां जाके मुर्गा बन जाओ और सहलाओ। तरी वालों बनना है कि तंदूरी बनना है? तंदूरी मुर्गा तो तुम बेटा ऑलरेडी हो, तरी वाला बन जाओ। जा छड़े हुए अंडे, समझ गया मैंने सुखो बोला बेटा, अब तू बढ़ ले। उस्ताद जी दरअसल बाजी हरी की मुंह की तबीयत खराब है गई, मुंह के पेट में ना सरदर्द है। ऐसा है बेटे, पढ़ ले, नहीं तो अगर तूने नहीं पढ़ा तो दर्द तेरा पेट का और बढ़ जाएगा। पढ़ ले बेटा, चल शाबाश।
ठीक है उस्ताद जी। तो जा शायरी में शायर कहना चाह रहा है कि दिल्ली में हर दिन दारू मिलती है और हमारे यहाँ पे सिर्फ तरकारी और तरबूज मिलते है। मुर्गा बंजा और सहला जा। Take your place. बेटा आप तू पढ़। गुंचाए नशे गुफ्त को दूर से मत दिखा कि यूं बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता कि यूं। आवा जी उस्ताद। आगो गुंचे नशे गुफ्त को दूर। हाँ उस्ताद इसमें शायद ये कहना चाह रहा है कि तू मुझे नासिक में दूर से मत दिखाकर, क्योंकि बॉस मुझसे पूछता है कि मुंह से मुंह कैसे मिलाऊं। क्यों बात सही सुनाया ना। बेटा जी मुर्गा बन जाओ और सहलाओ शायर बनोगे। शायर बनोगे तुम लोग। हमें ना बनना शायर ना बनो। बस शायर तो तुम्हारे पुरखे भी बनेंगे बेटा। हमारा नाम मनहूस कानपुरी ऐसे ही नहीं है। जो काम हम हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं, और ये काम भी करके छोड़ेंगे तुम्हें शायर बना के छोड़ेंगे। सुनो 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 मॉडर्न कॉलोनी के वासियों ध्यान से सुनो। मैं शहर का कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशम पाल सिंह मॉडर्न कॉलोनी में अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन ऐलान करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये कमिश्नर साहब तो अचानक से लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। सर अरे मसब बाबा को मैं जानता हूँ, शाहरुख सलमानी। हाँ आप तो बाबा शाहरुख सलमानी है ना। मासाब मासाब कहा है रहो, किस बात को ऐलान चल रहा है? क्या जाम की दुकान पे सेल शुरू हो गया है क्या, या फिर राशन की दुकान पे राशन फ्री में मिल रहा है? तुम लोगों को राशन पानी के अलावा और कुछ सूझता नहीं है क्या? जिनकी पहले से ही सूझी उनको क्या सूझेगा सर। काम धंधा तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ खाने पीने का काम है, तो बस उसी की बात करते हैं। अरे मां साहब लौंडो, मैं बाबा जी की साइन लैंग्वेज पहचानता हूँ, लेकिन बाबा जी कुछ ठीक इशारा नहीं कर रहे हैं। अरे जो बाबा इशारा कर रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंकल? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि विभूति नारायण मिश्रा से बच के रहो, क्योंकि अब वो विभूति नारायण मिश्रा नहीं है, बल्कि विभूति नारायण मिश्रा की खाल में एक शैतान घुसा हुआ है। कमिश्नर साहब आप मतलब आप जे कहना चाह रहे हो, मतलब आपका मतलब जे है कि विभूति सेठ के अंदर भूत घुस गया है? कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। अरे बाप रे बाप, मत साहब कमिश्नर साहब लौंडो बाबा जी कह रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा के अंदर वो शैतान शायर मनहूस कानपुर की आत्मा घुस गई है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि विभूति नारायण मिश्रा एक शैतान है जो